काव्येषु नाटकं रम्यम्। इन ऑल आर्ट फॉर्म्स ड्रामा दैट इज थिएटर इज द बेस्ट एंड मोस्ट एंगेजिंग आर्ट फॉर्म। I really congratulate Abhinay Srinivas for being a torchbearer for different multilingual language, multilingual festival, theatre festival, conducting for so many years. And theatre is a manifestation of human relations and emotions. We all enjoyed this play, Odia play, very well written, well designed. The light design is very superb, the set design is superb, music is excellent, and performance from by all the artists is really great. It really engaged all the audience, and we all had a spectacular viewing in this evening. I really congratulate the writer, playwright, the director, and all the actors who are present here, and who did excellent job. Congratulations. Thank you. शासक ने बोल दिया तो पिंडा का चुप बैठेंगे। अरे आठ शासक का शासक भी ससुरा हमसे ही चलत है। पत्ता भी नहीं ला सकते शासक हम नंबूदरी ब्राह्मण के सिवा। हाँ, और हमारे पिंडाकार इस बात का मरते दम तक डट कर विरोध करेंगे। शासक पे इसका कितना प्रभाव पड़ा था? क्या तब शासक अपनी सूझ बदलने को राजी हुआ?
हम जानते हैं। आज आपको नांगेली अम्मा की बहुत याद आ रही है ना? अरे आपको ही नहीं, हम सबको बहुत याद आ रही है। पूरे मुलाची पुरान को गर्व है नांगेली अम्मा पर। आज वो अगर यहाँ होती तो बहुत ही खुश होती। हाँ बड़ी अक्का, पर मुलाची पुरान ये नाम गांव को कैसे पड़ा? हाँ। इसके बारे में कई सुनी कहानी कहा है? हाँ, 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 वो भी बताओ। बताई देना, हमें जानने बता। सब बता दी। मुलाची पुरांबू ये वो जगह है जिसे आज स्तन के स्थान से जाना जाता है। मगर कभी स्थान पर स्तनों की भेंट चढ़ाई गई थी। वो साल था 1803। हम तुम्हारी उम्र की थी तब। इस विद्रोही संगठन का एक हिस्सा थी और आज भी है। भले ये संगठन अभी अभी बना हो मगर इसकी नींव बहुत पहले नांगेली ने लगाई थी। ये बहुत साल पहले की बात है। वो दिन अमावस का दिन था। हम सब खेत में काम कर रही थी। माँ नांगेली भी थी मगर बिना बदन ओढ़े। वो कभी कभार ही बिना बदन ओढ़े खेतों में काम करती। उसे पसंद ही नहीं था लेकिन और क्या करती। काम नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता। हम सब काम कर रही थी कि अचानक हमें वो सन्यासी का विद्रोही स्वर सुनाई दिया और वो वहां दूर से नंबूदरी ब्राह्मण की नजर सिर्फ और सिर्फ हम पर ही थी। वो हमें टकटकी बांधते देखता रहा। जाने क्या जादू थी उस सन्यासी की आवाज में। नांगेली अपने आप उठ खड़ी हुई और गुनगुनाने लगी और साथ ही साथ हम भी। बाकी औरतें बस देखती रही हम लोग को। कहते हो पन्नारी नाडर जात का था। उसकी औरत को ये शासक लोग जिंदा जला दिए। उसके बच्चों को सरेआम मारा गया। तब से उस शासक के खिलाफ विद्रोह करने लगा। विद्रोह